واجعل وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. जी, लास्ट जो रुकू था उसमें हमने जो पढ़ा था, एक तो नासख और मनसूख के बारे में, कि नासख और मनसूख करना, किसी आयत को मिटा देना या किसी आयत को लेके आना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उसके बाद फिर कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये एक बुनियादी हक है अल्लाह ताला का मुसलमानों पर कि हम उसके लिए नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें, यानी हर वो काम जो हमें अल्लाह ताला ने करने को बताया वो किया जाए। इसी तरह से फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, भला मन असलम वजहहू लिल्लाह, यानी जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए फर्मा बरदार कर लिया, वह हुआ मुहसिन, और वही एहसान करने यानी वही नेकी करने वाला है। तो फिर जो नेकी करने वाला है उसका अजर भी अल्लाह के पास है, और उसका अजर क्या है हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं। हाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लेकिन ये बात कि उन पर ना तो खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यहां तक हमने कल पढ़ा था, आज हम आया नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 112। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। वकालत यहूदू, और यहूद ने कहा, यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं, और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफ जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह ताला क़यामत के रोज करेगा। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबूदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो, यानी अल्लाह के माबद अल्लाह की मसाजिद में उसका नाम लेने से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो कि वो उजड़ जाएं। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं, उनके लिए तो दुनिया में रसवाई है और आखरत में अजाब अजीम है। वलहुम फिल आखरती अजाबुन अजीम, यानी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अगली आयत में फरमाया, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। मशरिक और मगरिब सिर्फ अल्लाह के लिए है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह पाक है। इन बातों से असल हकीकत यह है कि जमीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मिलक में है, सब के सब इसके मती और फरमा बरदार हैं। वो आसमानों और जमीन का मुअज्जद है, और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। यानी अल्लाह किसी को चीज को बनाना चाहे तो क्या कहते हैं, कुन, तो वो चीज हो जाती है। وقال الذين لا يعلمون, नदान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहनीयतें एक जैसी हैं,
यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नमायां कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्मे हक का साथ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, यानी इन्ना अरसलनाक बिलहक बशीरन व नज़ीरा, यानी हमने आपको बशारत खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। वला तुसअलु अन असहाबिल जहीम, और अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार जवाब दे नहीं हो। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। अब इस रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, यानी एक तो इसमें ये पता चला कि किसी का, यानी यहूदियों का, यहूदी कहें कि मुसलमान किसी किताब पे नहीं है और ईसाई कहें कि यहूदी किसी चीज पे नहीं है, यानी हर एक इंसान अपने आप को सच्चा कहे तो ऐसा नहीं है। सच्चा वो है, वही इंसान सही है जिसके आमाल इस्लाम के मुताबिक हुए। और आखिर में ये क्या करते हैं कि अल्लाह की मस्जिदों से मना करने वाले हैं, यानी इनके फितने जो हैं वो लोग जो अल्लाह की मसाजिद से दूसरों को मना रखते हैं, मना करते हैं, और उसमें वो अल्लाह का जिक्र करने से रोकते हैं। अब क्या है, किसी का ये दावा करना के फलां मस्जिद में ना जाए, या सिर्फ मसाजिद बनाना, मसाजिद में कालीन बिछाना या ईंटें लगवाना या मसाजिद में कोई और काम करवाना, सिर्फ यही नेकी नहीं है, बल्कि नेकी क्या है, नेकी तो ये है कि वहां पे इबादत की जाए। असल नेकी क्या है, नेक आमाल किए जाएं। यानी मसाजिद में अगर आप कोई चीज देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये नेकी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसमें इबादत भी की जाए। और उनके लिए दुनिया और आखिरत में जो इस तरह के काम करते हैं, मसाजिद में खराबियां करते हैं, ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाते हैं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। और फिर अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ही है जो दर हकीकत जमीन और आसमान का खालिक है, और उसी के लिए तुम मती हो जाओ, फरमा बर, हर चीज अल्लाह के लिए मती है, हर चीज अल्लाह का हुक्म मानती है, अल्लाह के हाथ में हर चीज है, वो सिर्फ क्या कहता है, कुन, तो चीज फयाकून हो जाती है। यानी अल्लाह के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने तो क्या, सिर्फ एक कहना है कि हो जा तो वो चीज हो जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने डराने वाला बना के और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। ये सारा इस रुकू में है। यहां तक जो रुकू है ये था बनी इसराइल के बारे में, यहां तक जिक्र वो खलीफा, यानी आज से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से पहले जितने भी आए जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना, यानी यहूदो नसारा, यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है उन खलीफा का कि ऐसे खलीफा भी जिन्होंने खराबियां की, यानी खलीफा से मुराद अंबिया नहीं है बल्कि वो लोग मुराद हैं जिन्होंने खराबियां की, यहूदो नसारा। और अगला जो रुकू आ रहा है जिसमें अल्लाह ताला बताएंगे कि या बनी इसराइल अस्कुरु निअमती अल्लती أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اے بني اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوتوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی فائدہ دے گی، اور ورنہ مجرموں کو کہیں سے کوئی
मदद पहुंचेगी, यानी ना मुजरमों को कोई मदद मिलेगी, तो वो दिन कौन सा है? आखरत का दिन होगा। यहां से अल्लाह ताला बनी इसराइल को डरा रहे हैं कि वो दिन याद करो, वो नेमत याद करो कि तुम्हें एक पूरी उम्मत का मैंने आलिम बनाया था, एक इमाम बना के भेजा था, लेकिन तुमने क्या किया, इसमें खराबियां की। यहां तक तो बनी इसराइल का जिक्र है। इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है। याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में अजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने अर्ज किया और क्या मेरी औलाद में से भी यही वादा है? उसने जवाब दिया मेरा वादा जालिमों से मुतालिक नहीं है, यानी वो जो अल्लाह के हक को पूरा करने वाले नहीं, जो अल्लाह के हक को पूरा नहीं करते, मेरा वादा उनके लिए नहीं है। और वह इस जालनल बैता, और ये कि हमने इस काबा को अल्लाह उन लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह बनाया, और हमने इस घर काबा को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सुजूद यानी सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहिम ने दुआ की ऐ मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिज्क दे। जवाब में उसके रब ने फरमाया और जो ना मानेगा दुनिया के चंद रोजा जिंदगी का सामान तो मैं उसे भी दे दूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा, यानी जो दुनिया में मेरी बात नहीं मानेगा मैं दुनिया में उसको भी आसाइशें दूंगा, मैं रिस्क उसको भी दूंगा, लेकिन होगा क्या, आखरत में मैं उनको जहन्नम की तरफ घसीटूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नम की तरफ लेके जाऊंगा, और वो बदतरीन ठिकाना है, वह बिसल मसीर। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जा रहे थे ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तो सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। क्या कह रहे थे? إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, यानी ऐ अल्लाह हमसे हमारी दुआएं कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कि कैसे इन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब वजअलना मुस्लिमीन लक, हमारे ही हमें बना दे मुसलमानों में से, मुस्लिमीन लका जो फरमा बरदार, हम दोनों को अपना मुस्लिम मती फरमा बरदार बना, हमारी नस्ल में एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बता दे, और हमारी कुताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा मुआफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ऐ मेरे रब उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाओ जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां सवारे, तू बड़ा इन्नल्लाह इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू बहुत गालिब और हिकमत वाला है। इस पूरे रुकू में पीछे हमने पढ़ा के यहूदियों और ईसाइयों के बारे में, उनकी साजिशों के बारे में अल्लाह ने यह भी बताया कि मैंने तुम्हें कितना आला रुतबा दिया, लेकिन तुमने वो रुतबा खो दिया, अपनी कदर अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर दी। अब यहां से इस रुकू में वईदी बतला से लेकर ये जो रुकू है इन्नका अंतल अजीजुल हकीम तक, अल्लाह ताला और अगली भी आयात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल के बारे में बता रहे हैं कि वो मेरा बंदा, वो कितना मती था, वो कितना परहेजगार था, यानी अल्लाह ताला ने अपने ऐसे नबी जिसने हर काम पे आमीन कहा, यही कहा कि अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो मुती और फरमाबरदार हूँ, वो यानी
अपने बेटे हजरत इस्माइल को अपने साथ लगाकर अल्लाह का घर बना रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। अब इब्राहिम का लकब जो है अबुल अंबिया भी है, अंबिया का बाप, और इमाम उल अंबिया भी है, अंबिया का इमाम। और इसी तरह से वइज यरफाउ इब्राहिम उल कवाइदा, यानी जब मोमन को चाहिए कि वो एक दुआ करे और उसकी दुआ दिल से होनी चाहिए, और उसको सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि मोमन की दुआ अपनी औलाद के लिए भी होती है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले, यानी हमें अपने आप को तो सुधारना है, साथ अपनी नस्ल को भी बचाना है, हमें अपनी औलाद को बचाना है, उनको भी सीधे रास्ते पे लेके आना है। अब यहाँ पे कि वो जब मस्जिद बना रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका वमिन दुर्रियतिना, और अगली आयत में क्या है, वो साथ साथ दुआएं कर रहे हैं। मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है, क्या एक इलामा इकबाल का शेर भी है इसके बारे में, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पराया पापी था कि बरसों से नमाजी बन ना सका। हमें देखना होगा कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मस्जिद की तामीर में पैसे लगाते हैं, लेकिन हमने अपने आप को भी सही मुसलमान पक्का सच्चा मोमन बनाना है, और इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह फौरन हमारी दुआएं कबूल करता है। क्यों? इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तो दुआओं को कबूल करने वाला है, अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला है और रहम भी करने वाला है। आगे रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, क्या फरमा रहे थे, दुआ क्या कर रहे थे कि हमारे अंदर से एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी किताब को पढ़े। अब अल्लाह हमें अपने बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों को साथ लेकर दुआ करनी है, क्योंकि ये हमारा असल विरसा क्या है, हमारी औलाद है। इसी तरह से खुद भी दुआ मांगे और खुद भी पायस बने, मुत्तकी बने, और अपनी औलाद को भी पायस बनाएं, अपनी औलाद को भी नेक और परहेजगार बनाएं। अगला रुकू जो है वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, वमन यरगब से, अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुबतला कर लिया हो, यानी नफरत तो वही करेगा जिसने अपने आप को सिर्फ जाहिल या अहमक बनाया हो, बेवकूफ, उसके सिवा कौन ही हरकत कर सकता है। वो इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था, और आखरत में उसका शुमार सालिहीन में से होगा। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फौरन कहा मैं मालिके कायनात का मुस्लिम हूं। यानी यह देखें इसमें इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने कहा कि मुतीउ फरमा बरदार हो जा, तो उसने क्या कहा, मैं तो असलम तू, मैं तो फरमा बरदार पहले से ही हूं। अब असलिम का मतलब है और एक हुक्म के मानी में है कि फरमा बरदार हो जाए, और असलम तू का मतलब है पास्ट के लिए है कि मैं तो ऑलरेडी मुतीउ फरमा बरदार हूं। अब देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां दी, अपने बेटे को पेश कर दिया, अपने आप को, अपनी वालद को छोड़ दिया अल्लाह की खातर, यानी बचपन से लेकर उनकी कुर्बानियां आखिर तक हमें नजर आती हैं, हर बात पे उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी मुस्लिम हूँ, ऑलरेडी फरमा बरदार हूँ। वसा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, अब यहां से क्या है, उसने फौरन कहा कि मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हूं, इसी तरीके पर चलने की हदायत उसने अपनी औलाद को की थी। अब वसा से स्टार्ट हो रहा है कि उन्होंने वसीयत की थी, उन्होंने अपनी औलाद को इसकी वसीयत की, और इसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया। अब देखें जब कोई फौत होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हमें फिक्र होती है कि हम अपनी औलाद का फ्यूचर संवारें। यहाँ पे अंबिया को फिक्र क्या है कि हम अपने बच्चों को की आखरत संवारें, उनको फिक्र ये थी, वो क्या कह रहे कि या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वसीयत अपनी औलाद को क्या कर रहे, उसने कहा था ए मेरे बच्चों
अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। बहुत बड़ी बात है जब हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं और उनके लिए फिर दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह इनकी आखरत संवार देना, और सिर्फ दुआ तक ही बस नहीं है बल्कि बच्चों को साथ बिठा कर उनको दीन के बारे में बताना भी, ये भी हमारा फर्ज है। एक अच्छा जो मोमन है उस पे ये भी लाजिम आता है कि अपने बच्चों को दीन के बारे में बताए, अल्लाह के बारे में बताए। लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना, यानी उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आखिर दम तक तुमने इस्लाम ही में रखना है। अब हमें भी अपने लिए भी दुआ करनी है, आज मैं और आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें मरते दम तक मुसलमानों में रखना, अल्लाह हमें सही मुसलमान बनाना, हमारे आखिरी जो वक्त हो हमारी जुबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वीर्द हो। और इसी तरह से अम कुंतुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत, इसमें क्या फरमा रहे कि जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना और हम उसी के मुस्लिम हैं। अब यहाँ पे अंबिया का काम क्या है कि अपने बेटों की फिक्र कर रहे हैं। यहाँ हजरत याकूब भी अपने बेटों को बिठा के उनको पूछ रहे हैं कि आप मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, तो वो क्या कहते हैं कि हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे, उसी रब की इबादत करेंगे जो इब्राहिम का रब है, जो इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का रब है। और जो कुछ तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और जो वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है, तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। अब इसमें कि जो जैसा अमल जिसने कर लिया, पहली उम्मतों ने पहले लोगों ने जो भी अमल किया वो उनसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا, यहूदी कहते हैं यहूद हो तो राह रास पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हदायत मिलेगी, इनसे कहो नहीं बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम मुशरकों में से ना था, यानी सबको छोड़कर किसका तरीका अपनाना है, इब्राहिम का। इब्राहिम क्या थे, हनीफा, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला था और वो मुशरक नहीं था। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल मिन वमा उन्ज़िल इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअस्बाब, तुम सब कह दो हम ईमान लाए हैं अल्लाह के साथ। मुसलमानों कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, और जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक और यकूब और औलादे यकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल की गई थी, हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं, अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हैं, हम अल्लाह की पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह की बात सुनने वाले हैं। अब देखें कि कूलू आमन्ना, आज हम भी कहें, हमसे भी कहा जा रहा है मुसलमानों कहो हम ईमान लाएं। अब ईमान का दावा चाहे आप दिल में करते हैं कि हम मुसलमान हैं, आपको पता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन आज आप अल्फाज से भी कह दें, आप सब कहें आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं, और अल्लाह के साथ वमा उन्जिला इलेना, और जो हम पर चीजें नाजल की गई, क्या किताब हदायत, यानी वो किताबें जो आज से पहले अंबिया पर नाजल की गई, एक तो कुरान है और उससे पहले वमा उन्जिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब अल असबात, यानी वो किताबें जो वो मुसहफ
जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों पर नाजल किए गए थे, हम उन पर भी ईमान लाते हैं। जो मूसा और ईसा पर तौरात और इंजील दी गई, हम उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा उतियन्नबियूना मिन रब्बिहिम, और जितने भी अंबिया आए, हम उन पे ईमान लेके आते हैं। ये ईमान बिल मुफस्सल में आता है ना, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि। यानी ये सारी ईमान बिल मुफस्सल में आता है कि हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों पर ईमान लेकर आए, और आखरत पर भी ईमान लेकर आए, और वल कद्र खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर भी ईमान लेकर आए। यानी हमारी तकदीर अगर अच्छी है, हम उस पे भी फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। अगर हमारी किस्मत में बुराई है, फिर भी दुआ करें, अपने आप को अल्लाह के आगे मुती करें, फर्मा बरदार करें, लेकिन साथ क्या है कि मान लें कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया है, अल्लाह हमारे साथ कर रहा है, और फिर दुआ के साथ साथ अल्लाह के साथ मुतीओ फरमा बरदार भी हो जाए, और क्या कहें, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। अब देखें मुस्लिम कितनी दफा यहाँ पे गुजर गया, और यहाँ पे अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, कहीं फरमाएंगे मुखलिसून, हम अल्लाह के लिए खालिस हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तिल्क उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये हो गई आयत। सॉरी, उसके बाद फइन आमनु बिमिस्ली, फइन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम लाए हो, तो हदायत पर है, और अगर इससे मुंह फेरे, तो खुली बात है कि वह डरमी में पड़ गए हैं, लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, इसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। यहाँ पे वनहनु लहू आबिदून का वर्ड आया है कि हम अल्लाह की ही इबादत करने वाले। इबादत किसके लिए खास है, अल्लाह के लिए, और हमें दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें अपना रंग चढ़ा दे, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। हमें किसी क्रिश्चियन, यहूदी, किसी ज्यूस, किसी की बात को नहीं मानना, हमें किसी का मजहब के अट्रैक्ट भी करता हो हमने नहीं जाना, सिर्फ अल्लाह के लिए, एक अल्लाह का रंग, सिबगत अल्लाह, अल्लाह हमें सिबगत अल्लाह दे दे, अल्लाह हमें अपना रंग दे दे, अपने दीन का रंग दे दे, और अल्लाह के दीन से बढ़ कर दीन कोई और नहीं हो सकता। अब देखें, इस्लाम में कोई तअस्सुब नहीं है, इस्लाम में कोई प्रिजोडिस यानी तअस्सुब नहीं है, इस्लाम एक ब्रॉड माइंडेड इस्लाम है, एक खुला इस्लाम है। अब देखें कि इस्लाम में हर तरह के लोग, कोई भी अगर इस्लाम कबूल करना चाहे तो आ सकता है, जबकि ज्यूइज्म में, यहूदियत में क्या है कि सिवाय यहूदी के और कोई यहूदी नहीं हो सकता, वो जो अपनी माँ से, माँ के बतन से पैदा हुआ है, सिर्फ वही यहूदी मजहब में रह सकता है। अगर कोई ईसाई या कोई मुस्लिम यहूदी होना चाहे तो वो नहीं हो सकता, लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें एक खुला दीन है, ब्रॉड माइंडेड है, इसमें कोई भी आ सकता है, जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल कर सकता है। और हमारे पे क्या फर्ज है कि हम अपना जो इस्लाम है उसके बारे में लोगों को बताएं कि ये कितना अच्छा दीन है, इसमें कितनी आसानियां हैं। आगे फरमाया कुल अतुहाजूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना वरब्बुकुम, ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। वनहनु लहू मुखलिसून, अब देखे वनहनु लहू मुस्लिमून, वनहनु लहू आबिदून, वनहनु लहू मुखलिसून, ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और कितने प्यारे सेंटेंसेस हैं, हम अल्लाह के लिए खालिस हैं। यानी बंदगी करनी है एक अल्लाह की, इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह की, और मुतीओ फरमा बरदार, हुक्म मानना है अल्लाह का। इसी तरह से आगे है अम तकुलून इन्ना इब्राहीम व इस्माइल, ए नबी अम तकुलून, क्या तुम कहते हो बेशक इब्राहिम,
उस शख्स से जालिम और कौन हो सकता है जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो। अम तकूलून इन इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, या फिर क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक, यकूब और औलाद यकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए? तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं? वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के मुताबिक सवाल नहीं होगा। तिल का उम्मतुन कद खलत, वो उम्मत थी जो पहले गुजर चुकी। यानी अब हम पहली उम्मतों के बारे में देखें, जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी उन्होंने जैसे अमाल किए उन्होंने अपने लिए किए। अब आपसे किसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम अमाल करोगे? जैसे आपके अमाल होंगे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये था हमारा पहला पारा और ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पारा, और ये शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें आखिरी इस पारे तक सुनने की तौफीक दे और हमें अपने दीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक दे। हो सकता है आप में से कोई एक कोई बात सुन के अमल कर ले और हमारा पूरा करने का मकसद हल हो जाए। एक भी बहन अगर किसी एक बात पे भी अमल कर ले तो गोया हमारे दरसे कुरान करने का, हमारा दौरा कुरान करने का मकसद हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की, इसको समझने के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगला सपारा, दूसरा सपारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। सयकूलु सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا। नदान लोग जरूर कहेंगे इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उसे यकायक फिर गए। ऐ नबी इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मते वस्त बनाया ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। अब इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है? सयकूलु सुफहा, अन करीब बेवकूफ लोग कहेंगे। अब नदान लोग तो ठीक है, नदान है, लेकिन अक्लमंद कौन वो होते हैं जिनको पूरी दुनिया मानती हो कि ये अक्ल वाले हैं, यही अक्ल रखने वाले हैं। तो आगे फरमाया कि ये दीन का, ये जो चेहरे का किबले का फिरना ये कैसे है, क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे तो मदीना में नमाज जो रुख था वो था बैतुल मक़दस की तरफ, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से, अल्लाह के घर से, खाना काबा से बहुत ज्यादा लगाव था, प्यार था, मोहब्बत थी। तो वो चाहते थे कि मैं अल्लाह के घर की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढूं, लेकिन जुबान से उन्होंने कुछ भी अदा नहीं किया, सिर्फ आसमान की तरफ मुंह उठाकर, आसमान की तरफ अपना रुख करके तो देखा करते थे कि अल्लाह मुझे, शायद अल्लाह ताला क़िबला बदल दे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी का चेहरे का फिरना इतना पसंद आया, जो अभी देखें, वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती कुंता अलैहा, पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उनके लिए कुछ भी सख्त ना साबित हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैजयाब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज जाया ना करेगा, यकीन जानो कि वो लोगों के हक में निहायत शफीक और रहीम है। इन अल्लाह बिन्नासी
लराऊफुर रहीम, अल्लाह ताला लोगों के बारे में, लोगों के हक में निहायत शफीक और रहीम है। अब साथ साथ अल्लाह की सिफात को देखते जाएं, अल्लाह के नाम कि अल्लाह कितना रहीम और करीम है, अल्लाह कितना रहम करने वाला है। قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ, तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो, अब जहां कहीं तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये क्या थी? ये अल्लाह ताला ने अपने नबी का चेहरा, अब हमारे नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा कि जो मैं हमारे अल्लाह को महबूब है, वो चेहरा इतना प्यारा जो अल्लाह को महबूब है, पसंद है, और उस अल्लाह ने अपने नबी का चेहरा देखकर सिर्फ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ चेहरे को देखकर रुख बदलने का कह दिया कि अपना रुख जो है वो मस्जिदे हराम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ कर लें। وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते थे, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील क़िबला का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, यानी अल्लाह गाफिल नहीं है। अब इंसान जो भी कोई काम करता है वो अल्लाह ताला देख रहा है। وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, तुम उन अहले किताब के पास खवा कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि इनके किबले की पैरवी करो, और इनमें से कोई ग्रोह भी दूसरे के किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका इनके ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक ग्रोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है, ये कतई एक अमर हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतालिक तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, यानी किसी शक में ना पड़ो। अब इसका खुलासा क्या है? सयकुल सुफहा से लेकर, यानी शुहदा शहीद की जमा है, शहीद इसका मतलब है गवाही देना। तो कयामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें गवाही के लिए पेश करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे फलां मैंने करने को कहा, तुमने क्यों नहीं किया? अब देखिए हमने उस गवाही की तैयारी कितनी की है। ओके, हमने देखना है कि हमने अपने आखरत में जो गवाही दी जाएगी, जो हम गवाही देंगे, इवन यहाँ तक कि आपके मुंह, यानी ये भी आता है कि आपके अज़ा जो है वो गवाही देंगे, हाथ पांव उंगलियां गवाही दी जाएंगी देंगी। अब यहाँ पे हमने, अब दुनिया में हमने कोई परफॉर्मेंस करना हो, कोई चीज पेश करनी हो स्टेज पे जाके, तो हम कितनी तैयारी करते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, लेकिन क्या वो स्टेज जिस पे अल्लाह खालिक व मालिक होगा, जो बादशाहों का बादशाह है, वो अल्लाह की जात जब स्टेज पे बैठी होगी और हम उसके सामने जाके अपने अमाल का जायजा कैसे बताएंगे, हम अपने अमाल के बारे में कैसे गवाही देंगे कि हमने फलां जगह पे फलां काम किया, तो हमें अपनी गवाही के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को सही तरह से तैयार करना है, अच्छे अमाल करने हैं। और हमने दावत इस्लामी का क्या हक अदा सही तरह से किया कि नहीं, हमें
अपनी दावत हक का देने का अपने आप को तैयार करना होगा। अब इसके बाद कद नरा तकल्लुबा से कि आप बैतुल मक्दस की आपको बात समझ आ गई कि बैतुल मक्दस से चेहरे यानी किबला को फेर कर किबला का रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया गया। इसी तरह से जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, जब अल्लाह ने कहा कि तुम इसको मानो चाहे कोई दूसरा मानता है या नहीं मानता, तो जब कोई अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो उसे फौरन मानना चाहिए, उसको फौरन मानना चाहिए, किसी हुज्जत की गुंजाइश नहीं होती। जब हम अल्लाह कोई हमें हुक्म देता है तो कोई भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, कब होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सवाल जवाब की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसी तरह से अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यानी जिनको हमने किताब दी है, उलमाए नसारा उलमाए यहूद, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से भी ज्यादा पहचानते थे, उनको पता था कि ये नबी सच्चा नबी है, ये नबी हक पर है। उनकी किताबों में सारा लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा जो आखिरी नबी नबी उम्मी होगा, आखिरी नबी होगा, और उसकी बात को मानना जरूरी होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हट धर्मी की। وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, हर एक के लिए एक रुख है, हर एक के लिए एक रुख है। हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर एक के लिए रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत ले जाओ, तुम नेकियत की तरफ आगे बढ़ो, कोई भी नेकी का टाइम हो तो पीछे ना रहो, सोचो नहीं कि मैं करूं या ना करूं या मेरे पास टाइम नहीं, चलो कल कर लूंगा, यानी उसको पेंडिंग नहीं करो, उसको फौरन करो, सबकत ले जाओ, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसके इल्म में हर चीज है, वो हर चीज को जानता है कि इंसान क्या कर रहा है। आप खुफिया में, आप पोशीदा, आप छुप के कोई नेकी करते हैं या गुनाह करते हैं, अल्लाह उसको भी देखता है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक, तुम्हारा गुजर जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता है। हमने जब कहीं जाना हो या हमारे पास कोई मिलने आ रहा हो, हम अपने आप को कितना सजाते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, लेकिन जब हमने अल्लाह के सामने जाना हो तो क्या हम अपने दिलों को साफ करते हैं, क्या हम अपने आप को खालिस करते हैं अल्लाह के लिए? अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे इनसाइड आउटसाइड दोनों को जानता हूँ, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, और जहां से तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेरा करो, और जहां भी हो तुम हो उसी की तरफ नमाज करके उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे। हाँ, जो जालिम है उनकी जुबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम ना डरो पहले बल्कि मुझसे डरो। फला तख्शौहुम वख्शौनी, अल्लाह क्या कहते हैं, किसी की परवाह ना करो, किसी की बातों की केयर ना करो, सिर्फ डरना है तो अल्लाह से डरो, किसी की मलामत से ना डरो कि वो मुझे क्या कहेगा।
और इसीलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, वली उतिम्मा नेमती, जब तुम डरोगे अल्लाह से तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूंगा, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम उसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे, लिहाजा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरा शुक्र अदा करो, शुक्राने नेमत ना करो। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक तो अल्लाह का हुक्म मानना है, जब भी अल्लाह तुम्हें कोई हुक्म दे तो फौरन मानो, दूसरा तुमने किसी की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह से डरना है, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें भेजेगा, अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें करेगा। इसी तरह से कमार सल्ला फीकुम रसूलन, ये एक बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, हम पर नबी होना, ये एक फलाह का काम है, एक कामयाबी है हमारे लिए कि उन्होंने हमें आके अंधेरों से शिर्क से निकाल कर सीधा रास्ता दिखाया, जिसने हमें पाक किया और हमें किताब सिखाई, हिकमत सिखाई कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे समझना है, इसको कैसे सीखना है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चला? अब देखें कि जैसे कहा जाता है कि हमें तो कुरान, अगर कुछ लोग जो इनकार हदीस हैं वो हदीस का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान ही काफी है, हालांकि कुरान का अगर काफी रखने के लिए अगर आप देखें अलिफ ला मीम और इसी तरह से हरूफ मुकत्त्यात कितने आते हैं, आइन सीन काफ या नून, इनके मानी क्या हम जानते हैं? नहीं जानते, हमें इनके मानी का पता ही नहीं है और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। इसी तरह से अल्लाह ने कहा बस जो कह दिया, जो मेरे नबी ने बता दिया उसको सुन लो, हमारे नबी ने बताया अलिफ ला मीम एक वर्ड नहीं है, इसमें तीन लेटर हैं और एक लेटर का जो अजर है, जो रिवॉर्ड है वो 10 रिवॉर्ड उसका इक्वल 10 है, आप एक नेकी का एक लफ्ज पढ़ेंगे तो वो इक्वल 10 होगा, आप दो पढ़ेंगे तीन पढ़ेंगे तो इक्वल 30 होगा। अब हमें ये बता दिया कि इसका सवाब कितना है, लेकिन इसका मानी के बारे में अल्लाहु आलमु बिमुरादी ही, अल्लाह ही उसके मतलब को जानता है, लेकिन जहां पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नमाज अदा करो, जकात अदा करो, अब ये नहीं कहा कि सिर्फ वसलात यानी नमाज क्या है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारा कुछ बताया कि नमाज का तरीका क्या है, नमाज की रकात कैसे कितनी है, नमाज में अरकान कौन कौन से है, नमाज को कैसे अदा करना है, कैसे पढ़ना है। तो यहां से जो मुनकरीन हदीस है पता चला कि वो उनकी बातें सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने हदीस को नहीं माना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, वो बदकिस्मत लोग हैं जो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आते हुए, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए अपने आप को नबी के हुक्म के ताबे नहीं किया। अब अगली आयत में फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह कहते तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब अल्लाह को याद करना क्या है? नमाज भी एक तरीका है अल्लाह को याद करने का, कुरान भी एक तरीका है, जिक्र भी तरीका है, तस्बीहात पढ़ना, तहलीलात, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये सारे क्या है? अल्लाह को याद करना। आज मैं और आप बैठे कुरान सीख रहे हैं, ये क्या है? अल्लाह को याद करना। आगे है अज़कुरकुम, अल्लाह कहते हैं जब तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब अल्लाह का याद रखना कैसा है? अल्लाह फरिश्तों में याद रखते हैं, अल्लाह फरिश्तों में आपका तज़करा करते हैं कि मेरी बंदियां, मेरे बंदे बैठे मेरे कुरान सीख रहे हैं, मेरे नबी की हदीसें सीख रहे हैं। वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र अदा करो,
यानी जितनी नेमतें मैंने तुम्हें दे दी हैं उन पे खुश हो जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जैसे आप रोजा रखते हैं तो क्या कहते हैं इफ्तारी के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो खाने पीने के बड़े प्यारे होते हैं, जब खाना खाने का टाइम इफ्तारी का टाइम आता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम खुश होते हैं। आगे फरमाया वला तकफुरून, तुम कुफराने नेमत ना करो, यानी अगर कोई चीज आपको मिल गई है तो शुक्र अदा करो, अगर नहीं मिली तो ये ना समझो कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, बल्कि उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, हो सकता है किसी आजमाइश से अल्लाह ने बचाया। يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद मांगो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता, हम जरूर तुम्हें खौफ और खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हें तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करेंगे और जो कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं, वो क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाही, जब कोई मुसीबत आती है मुसीबत के वक्त क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, जब उन पे मुसीबत आ जाए तो कहते हैं अल्लाह की तरफ हमने लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ हम पलट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, इन पर इनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग राह रास्त पर हैं। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उमरा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वह इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले, और जो बिरजा और रगबत कोई भलाई का काम करे अल्लाह को उसका इल्म है और वो उसकी कदर करने वाला है। जो लोग हमारी नाजल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं हालांकि हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उस पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाए, यानी उस काम से बाज आ जाए और अपने तर्ज अमल की इसलाह कर ले और वो जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला, वो अनत तवाब रहीम, और मैं तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला हूं। अब इस पूरे रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि एक तो जब कोई तंगी मुसीबत आ जाए, कोई खौफ आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ जाए तो घबराना नहीं है, क्या करना है सब्र करना है, किसके साथ ईमान, आपने नमाज के साथ सब्र करना है, आपने अल्लाह के सामने खड़े हो जाना है, नमाज अदा करनी है। जब आप सब्र करेंगे अल्लाह फरमाता है साबिर जो लोग हैं, जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जब वो मेरे अब सब्र करने वाले बंदे जब इन पे मुसीबत आ जाती है तो वो क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, छोटी से छोटी मुसीबत क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन उनका कलमा होता है, उनका विर्द होता है, और यही लोग हैं उनको रब की तरफ से अल्लाह की तरफ से उन पे रहमत होती है। जब इंसान पे मुसीबत आ जाती है, मुसीबत सारी जिंदगी नहीं रहती, कुछ टाइम होता है, कुछ लिमिट होती है, कुछ वक्त होता है, अब वो वक्त जब गुजर जाता है अल्लाह कहते हैं कि फिर वो अल्लाह की तरफ से उस बंदे पर रहमत होती है, अल्लाह अपनी रहमतें उस पे भेजता है। हकीकत में यही लोग हदायत पाने वाले हैं, यही लोग हदायत पर होते हैं जो अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश पर सब्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, यही लोग हकीकत में कामयाब होने वाले हैं।
फिर इन सफा वल मरवा, यानी सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं, ये हमें किस चीज की याद दिलाती हैं? एक इंतहाई साबर और शाकर फैमिली की। और वो फैमिली कौन सी थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजर अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये एक फैमिली थी जिन्होंने बहुत सबर किया, जिन्होंने कई साल मक्का में रहे और सबर करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें सबर का क्या अजर दिया? अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत से, उनकी नस्ल से एक नबी को भेज दिया। और आज तक मकाम इब्राहिम वहां पे मौजूद है, जो भी अल्लाह के घर में जाता है वहां दो नफल अदा करता है, यानी उमरा और हज करने वाले के लिए जरूरी हो गया कि वहां पे दो नफल अदा करें और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताजा करें, उनकी कुर्बानी को याद करें कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, अपनी औलाद तक को कुर्बान कर दिया। उसके बाद देखें कि हमने अपनी औलाद को क्या सिखाया। हमारे पास ये असल विरसा जो है वो हमारी औलाद है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल किताब वल्हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु वयलअनुहुमुल लाइनून। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, दर हकीकत हम इन सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान चेक कर चुके हैं। यकीन मानो कि अल्लाह ने भी इन पर लानत की और तमाम लानत करने वालों ने भी। आगे अल्लाह ताला इल्लल्लज़ीन ताबू वसलहु वबय्यनु फाउलाइका तूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो अल्लाह के सामने नादिम हो जाए, परेशान हो जाए और तौबा करें, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फार। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया और कुफर की हालत में ही जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत जदगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, यानी जिसने कुफर किया और इसी हालत में मर जाता है, इस्लाम कबूल नहीं करता, अल्लाह ने उस पर लानत की और फरिश्तों और तमाम लोगों की भी उस पर लानत है। खालिदीन फीहा, अब इनका ठिकाना क्या है, इनकी आखरत क्या है? हमेशा वो उस जहन्नम में रहेंगे, उसी लानत के साथ रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, और इनमें अजाब में कोई भी रियायत नहीं की जाएगी, इनकी जो पनिशमेंट होगी उसमें जरा भी कमी नहीं की जाएगी, और ना इन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी, उन्हें अल्लाह डील भी नहीं देगा। वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और मेरा और तुम्हारा इलाह कौन है? अल्लाह है। तुम्हारा खुदा और मेरा खुदा एक ही है, और वो कौन है? अल्लाह है। मेरा और आपका दाता, मेरा और आपका पालने वाला कौन है? अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, वो कौन खुदा है? वो रहमान और रहीम है जिसके सिवा और कोई इलाह नहीं है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मेरा और आपका खुदा एक है और वो रहमान है, इतना ज्यादा रहम करने वाला, इतना ज्यादा रहम करने वाला एक अल्लाह है। देखिए कितनी प्यारी ये आयात गुजरी है कि इंसान अगर इनको ध्यान से सुने और पढ़े तो अल्लाह के करीब आ जाता है, फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि इंसान किसी और के दर पे जाए, किसी और से मांगे, किसी और से दुआएं का कहे। अल्लाह से खुद दुआएं किया करें, अल्लाह से खुद मांगा करें। वो तो एक अल्लाह हुवर रहमान रहीम है, अल्लाह तो रहम करने वाला। वो अनतवाब रहीम, अल्लाह कहते हैं मैं तो तौबा कबूल करने वाला हूँ, मेरे दर पे आके तो देखो। अगली आयत में इन्ना फी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा। इसके बाद फरमाया इस हकीकत को पहचानने के लिए कि अल्लाह एक है, अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की साख्त में, रात और दिन की बनाने में, एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफा की चीजें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है, और अपने उसी निजाम की बदौलत
जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और उनके और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं। बेशुमार निशानियां हैं, ये निशानियां किन के लिए हैं? वो लोग जो अक्ल रखने वाले हैं, जो अक्ल रखते हैं, जिनका जहन काम करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये निशानियां किसके लिए हैं? अक्ल वाले लोगों के लिए। अब अल्लाह ने तमाम मखलूकात को कवानीन दिए हैं, जब वो कवानीन पर अमल करते रहते हैं तो हम आहंगी यानी हारमनी रहती है। अब देखें कि अगर कोई इंसान, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को शरीयत दी है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने लॉज ऑफ नेचर भी दी है। लॉज ऑफ नेचर जो काम कर रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला ने परफेक्ट लॉज ऑफ नेचर में अल्लाह ताला ने शरीयत इंसानों को दी है। हमारे लिए क्या है? शरीयत है। और बाकी जो मखलूकात हैं, जमीन, आसमान, जिन, परिंद, ये सारे इनके भी कवानीन हैं। देखें कि कैसे रात और दिन आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, एक के बाद दूसरा आ जाता है, जैसे कि समर, गर्मी। ये देखें कि कैसे अल्लाह ताला इनको फेरता है। सूरज का आना, चांद का जाना, कभी क्लैश हुआ, कभी ये आपस में मिले नहीं। ये क्या है? अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत है। हम इसको जानते नहीं, हम इसको पहचानते नहीं। इसी तरह से एक अल्लाह ताला फरमाते हैं, लआयातिल लिकौमी याकिलून, यानी आप देखें कश्तियों का समंदरों में चलना, इतना हैवी चीज। अब देखें कि एक स्पून ले लें पानी में, आप फेंकेंगे टब में, भर किसी भी तालाब में, स्पून के नीचे चला जाएगा, कैविटी है ना, वो जमीन खींचती है। तो आप जब देखें कि इतनी बड़ी कश्तियां ये समंदर में पानी में डूबती नहीं, कैसे ये चलती हैं? ये निजाम अल्लाह का है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह जब चाहे उसको खत्म कर सकता है, डबो सकता है। इसी तरह से ये किसके लिए? हमारे नफे के लिए है। आसमान से पानी भेजना, जमीन से जब पानी बरसता है तो जमीन से फल, पौधे, फूल, गंदम, ये सारी चीजें उगती हैं। ये किसके लिए? ये हमारे फायदे के लिए। अब देखें कि एक साल या कुछ महीने गंदम का, आजकल जैसे मौसम पाकिस्तान में, तो आगे और महीने को अगर इसी में अगर बारिशें ना हो या फिर कटाई के वक्त बारिश ज्यादा हो जाए तो वो फसल तबाह हो, बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं, और अल्लाह ने जमीन में इंसान के लिए चौपाए, चरिंद, परिंद चलाए हैं, ये हमारे फायदे के लिए। ये दूध हमें मिलता है तो इसी वजह से मिलता है। बादलों का आना जाना, आसमान का मुसख्खर करना, ये क्या है? अल्लाह ताला की ये सारी निशानियां हैं। ये एक नेचुरल वर्ल्ड है जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। जहां पे शरी कानून है वहां पे अल्लाह ताला युमिनून का जिक्र करते हैं। आपने देखा होगा जहां पे अल्लाह ताला शरी कानून है ना, कोई कानून आता है तो युमिनून का जिक्र आता है, और जहां पे शरी कानून के बजाय कुदरत का कानून आता है, नेचुरल वर्ल्ड का जिक्र आता है, तो वहां अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अकिलून का जिक्र करते हैं, यानी अक्ल वालों के लिए। अगर किसी का अक्ल है, कोई वाइज है, कोई अक्ल रखता है, तो वो सारी चीजें ये समझ लेगा कि ये सारी कुदरत अल्लाह की कुदरत है। एक अल्लाह की जात ही ऐसा कुछ कर सकती है, और सारी कायनात अल्लाह के कवानीन में बंधी नजर आती है। अब देखिए कैसे कैसे निजाम चल रहा है, ये सारा अल्लाह की वजह से है। आगे फरमाया, वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, मगर वहदते खुदावंदी पर दलालत करने वाली इन खुले खुले आसार के होते हुए भी, यानी ये निशानी है ना सारी, इनके होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबल बनाते हैं, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, और उनके ऐसे गर्वीदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्वीदगी होनी चाहिए, यानी इतना उनको पसंद करते हैं, महबूब जानते हैं, हालांकि जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वो उससे भी ज्यादा मुशरकों से करते हैं, वो उससे भी ज्यादा कब्रों से करते हैं। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है,
वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारी इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं, और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। वो अल्लाह क्या है, वो अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह ताला बहुत सख्त है अजाब देने में। यानी अल्लाह को हल्का ना लो, अल्लाह को ये ना समझो को वो तो रहमान भी है, रहीम है, तवाब तौबा कबूल करने वाला है, गफूर रहीम है। खाली यही सिफात नहीं है, अल्लाह की कहार भी है। नाउज बिल्ला अगर अल्लाह जुल्म करने पे आए तो अल्लाह का जुल्म बहुत बड़ा है, अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा है। अल्लाह अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, अल्लाह के हाथ में सारी कुदरत है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अब देखें कि आज से पहले जितनी बस्तियां उल्टाई गई, जहां पे जलजले आए, तूफान आए, एक अल्लाह ने तो एक चुटकी बजा के, एक पलक के झपकने के से भी पहले अल्लाह कहता है हो जा तो वो चीज हो जाती है। बस्तियों में तूफान आए, अजाब आए, सिर्फ अल्लाह ने कहा हो जाए तो वो हो जाते हैं। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह को ये ना समझो कि अल्लाह सिर्फ गफूर रहीम भी है, अल्लाह उसके साथ शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला भी है। अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है। अब इसमें जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेतालकी जाहिर करेंगे। अब दुनिया में जिनकी इंसान पैरवी करते रहे, जिनको फॉलो करते रहे, तो क्यामत के दिन क्या होगा, अपने फॉलोअर से बेतकल्लुफी बेतालकी का ऐलान कर देंगे कि हमारा कोई रिलेशन नहीं था इनके साथ, कोई ताल्लुक ही नहीं था, मगर सजा पा कर रहेंगे और इनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज ये दुनिया ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं, हम इनसे बेजार होकर दिखाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जैसे काश हमें मौका मिलता, वो लोग जो पैरवी करते हैं ना, फॉलोअर्स जो होंगे, जिनकी पूजा करते रहे, जिनके जाके आगे सजदे करते रहे, जिनसे दुआएं करवाते रहे, तो वो कहेंगे काश हमें एक मौका मिल जाता तो हम जैसे दुनिया में आज ये क्यामत वाले दिन ये हमसे इन्होंने मुंह मोड़ लिया, हमें मौका मिलता हम भी मुंह मोड़ लेते। यूं अल्लाह इन लोगों के वो आमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पेशेमानियों के साथ हाथ मलते रह जाएंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, ये आग से नहीं निकलेंगे। तो ये था आज का वमा अलैना इल्ला البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين। आप निशान लगा लें 166 आया तक हमने पढ़ा, 67 आया तक हमने पढ़ा है जी। आप में से किसी ने कुछ पूछना चाहे तो आप अनम्यूट कर दें इनको, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, एक दो मिनट है आपके पास। कोई भी सिस्टर कुछ पूछना चाहे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, तो जो भी करना चाहे अपनी तरफ से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो कल का ये है कि हमारी क्लास जो है मंडे से थर्सडे तक होगी, क्योंकि फ्राइडे को जाहरी बात है सब ने तैयारी करनी होती है जुमे की भी, और फिर सैटरडे और संडे छुट्टी है, तो इंशाल्लाह 4 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। और बाकी जो दिन हैं आप इसमें जो सुने अपने नोट्स बनाएं, इसको बार बार सुने कि आपको क्या समझ आ रही है। लाजमी नहीं कि एक दफा किसी ने सुन लिया तो वो कहें कि बस अब मतलब मुझे सारी चीज की समझ आ गई है। हो सकता है एक दफा आपको अभी क्लास में समझ नहीं आई है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आप वीडियो सुनते हैं, तो आपको ज्यादा समझ आ जाए। जी कुछ पूछना चाह रही है सिस्टर? रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा फिर इंशाल्लाह। तो मंडे को मुलाकात होती है, और मंडे को जो क्लास है